चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। आज अमित शाह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देवबंद में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चे बांटेंगे और मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। बीजेपी ने इस प्रचार अभियान को प्रभावी जन संवाद अभियान नाम दिया है। अमित शाह सुबह 11:15 बजे चुनिंदा लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अखिलेश के गढ़ में मतदाताओं की नब्ज टटोलने वाले हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे बरेली से होगी। पहले वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र देंगे और इसके बाद घर घर जाकर वोट मांगेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा जेपी नड्डा जन संवाद प्रोग्राम को भी संबोधित करेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, यूपी में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम योगी मुरादनगर में मतदाता संवाद प्रोग्राम को संबोधित करेंगे और पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, जबकि अखिलेश और जयंत ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी ने जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता दिया है और आरएलडी अध्यक्ष इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं। अखिलेश ने साफ कहा कि बीजेपी मजबूरी में ऐसे ऑफर दे रही है, जबकि जयंत चौधरी ने भी सारी अटकलों को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक कर रखे जाने के आरोपों के बाद सफाई आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर किसी वीवीआईपी मूवमेंट के कारण नहीं बल्कि कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन के चलते रोका गया था। मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने का आरोप लगाया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में 13 मंत्री हैं, वहीं 9 महिला प्रत्याशी हैं। योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि को देवरिया से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए प्रियंका गांधी के सलाहकार टीम के सदस्य राकेश सचान को भोगनीपुर से टिकट दिया गया है। 91 की सूची में 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उतारा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में लखनऊ की एक भी सीट शामिल नहीं है। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इस दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के दौर में जब जेएनयू में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ तब वहां वो गई थी और छात्रों से बातचीत की थी। युवाओं से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब रोजगार नहीं है तो नौजवानों का गुस्सा होना जायज है। मोदी सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार उस समय बनाया गया है जब 31 जनवरी 2022 से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य आर्थिक सलाहकार की होती है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 4044 नए मामले दर्ज किए गए और 25 लोगों की मौत भी हुई। संक्रमण दर भी अब धीमा पड़ गया है और अभी 8.60% चल रहा है। टेस्टिंग की बात करें तो उसका ग्राफ भी लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण शिक्षण संस्थानों को लेकर फैसला किया गया है। इसके तहत अब यूपी में सभी शिक्षण संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे, लिहाजा पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इससे पहले 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एससी और एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले कॉन्टेक्टिव डेटा जुटाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2006 के नागराज और 2018 के जरनैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया पैमाना नहीं बना सकती है। केंद्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मामलों पर सुनवाई 24 फरवरी से होगी।
विदेश मंत्रालय ने हामिद अंसारी विवाद पर जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह दावा बिल्कुल गलत और ढोंग करने वाला है। ये अन्य लोगों को हमारे देश के संविधान की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के आयोजकों का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से पक्षपाती और प्रतिभागियों के राजनीतिक हितों के समर्थन करने वाला है। वहीं यूक्रेन रूस टेंशन पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी एस येदियुरप्पा की नातिन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इसमें सुसाइड का शक जताया जा रहा है। 28 जनवरी को उनकी डेड बॉडी बेंगलुरु स्थित फ्लैट में लटकी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा को फोन पर संवेदना व्यक्त की। बी एस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या डॉक्टर थी और उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। इंदौर में भयू महाराज की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने एक महिला सहित 3 लोगों को 6 साल की सजा सुनाई है। 12 जून 2018 को भयू महाराज ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। महिला पर भयू महाराज पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप था, तो वहीं 3 अन्य कर्मचारी उन्हें ब्लैकमेल करके प्रताड़ित कर रहे थे। यूपी के जालौन में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 55,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान गाड़ी से काले रंग के बैग में कैश बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान स्कॉर्पियो में सवार लोग पैसे की जानकारी ठीक से नहीं दे पाए। बैग में 2,000 और 500 के नोट थे।